गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स. टुडे आई स्टार्ट चैप्टर 7 सीमा एंड ऋषि. डू क्लास वर्क डेट एंड टुडेज डेट. दिस इज सीमा. सी इज 6 इयर्स ओल्ड. ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये क्या किसका पिक्चर है? सीमा का. क्या लिखा है? हाय आई एम सीमा. सीमा का उम्र कितना है? 6 इयर्स ओल्ड. 6 साल की है सीमा. दैट इज ऋषि. ही इज माय ब्रदर. ऋषि सीमा का भाई है. ही इज 4 इयर्स ओल्ड. इसका उम्र है 4 साल. सीमा एंड ऋषि's फादर मिस्टर मदन पाटिल. सीमा और ऋषि का पापा मिस्टर मदन पाटिल. ही वर्क्स इन एन ऑफिस. वो कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में. देयर मदर इज मिसेस माला पटेल. मम्मी का नाम है माला पटेल. सी इज ए डॉक्टर. वो एक डॉक्टर है, इलाज करते हैं. सीमा ऋषि लेट्स गो होम. इट इज टाइम फॉर लंच. सीमा और ऋषि की मम्मी बुला रहे हैं लंच के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए. सीमा ऋषि एंड देयर पेरेंट्स गो होम. सीमा एंड ऋषि दोनों अपने पेरेंट के साथ घर जा रहे हैं. सीमा एंड ऋषि ग्रैंड पेरेंट्स सम फॉर लंच एवरी संडे. सीमा और ऋषि के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दादा दादी, एवरी संडे हर संडे को मतलब रविवार को आते हैं लंच करने के लिए, मतलब दोपहर का खाना खाने के लिए. नेक्स्ट मदर वॉशेस ऋषि's हैंड्स. ऋषि का हाथ मम्मी धुला रहे हैं. सी कॉम्ब्स हिज हेयर. उसके बालों को अच्छे से सवार रहे हैं. सीमा वॉश योर हैंड्स एंड गेट रेडी. सीमा भी अपने हाथ को धो लिए हैं और रेडी हो गए हैं दोपहर का खाना खाने के लिए. एंड गेट रेडी. रिमेंबर ऋषि यू मस्ट बी गुड टुडे. ऋषि को मम्मी ने बोला कि आज तुम अच्छे से रहना. ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा कम. ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ गए हैं घर में. सीमा ओपन्स द डोर. सी हग्स देम. सीमा ने दरवाज़ा खोला और गले से मिल गए. ओ इट इज़ टाइम फॉर लंच. चलो अभी लंच का मतलब दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, मम्मी ने कहा. स्टार्ट. दे ऑल सीट एट द टेबल. सभी ने टेबल में बैठा है खाना खाने के लिए. बट ऋषि इज नॉट देयर. लेकिन ऋषि को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है. ऋषि कहाँ हैं? दादाजी ने पूछा, ग्रैंडफादर जो है वो पूछा, बट वेयर इज ऋषि. लेकिन ऋषि कहाँ है? तब दादी ने, ग्रैंड माँ ने क्या आंसर दिया? आई थिंक ही हैज़ गोन टू वॉश हिज हैंड्स. हमको लगता है वो अपना हाथ धोने के लिए गया है. हाउ स्ट्रेंज देयर इज समथिंग अंडर द टेबल. दादाजी को अचानक टेबल के अंदर कुछ लगा पैर में. इट इज सिटिंग ऑन माई फिट. पैर के ऊपर दादाजी को कुछ बैठा हुआ चीज लगा. इट इज ए डॉग और ए कैट. उनको लगा या तो वो कुत्ता है या एक बिल्ली है. इज इट अ डॉग और ए कैट. क्या ये बिल्ली है या कुत्ता है? ग्रैंडपा रीचेस अंडर द टेबल. ही पुल्स आउट समथिंग. उसने नीचे झांक के ग्रैंडफादर ने देखा कि क्या चीज है. ऋषि ने तब आंसर दिया, हेलो ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडमा. अंदर से ऋषि ने क्या आंसर दिया? हेलो ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडमा. मतलब ऋषि टेबल का अंदर था, नीचे था. ऋषि, व्हाई आर यू अंडर द टेबल? ग्रैंडपा ने पूछा, ऋषि तुम अंडर टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? एंड व्हाई आर यू सो मडी? तुम्हारे ऊपर इतना कचरा क्यों है, कीड़ा क्यों है? ओ आई वॉज गोइंग टू वॉश माई हैंड्स बट देन आई वॉन्टेड टू हैव सम जैम. मैंने अपने हाथ धोने के लिए गया था लेकिन हम अपना जैम ढूंढ रहे थे. आई वेंट टू द किचन एंड हैड लॉट ऑफ जैम. मैंने गया किचन में और जैम लेके आई. आई वॉज डर्टी. इसीलिए मैं गंदा हो गया. सो आई हाइड अंडर द टेबल वैन यू केम. बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू.
हमने सोचा कि आप हमको नहीं ढूंढ सकेंगे, इसीलिए हम छिप गए टेबल के अंदर। और इसी वी आर ग्लैड टू सी यू टू, रिसी हम लोग बहुत खुश हैं तुमको देख के। नाउ सीमा एंड रिसी डू रीड इट।